नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रईस चौधरी बने अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय महामंत्री। मुरादाबाद में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर महामंत्री रईस चौधरी को अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच का राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमांदा मुस्लिम मंच एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक द्वारा की गई है। यह जानकारी प्राप्त होते ही रईस चौधरी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बधाई देने वालों का तांता लग गया। अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच का राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर रईस चौधरी के समर्थकों ने पाकबड़ा जीरो पॉइंट पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर रईस चौधरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी है मुझे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सौंपी है उसको मैं भरपूर जिम्मेदारी से निभाऊंगा एवं संगठन को गति प्रदान करूंगा। मैंने संकल्प लिया है कि हर जिला एवं ब्लॉक से पसमांदा समाज को खड़ा करना मेरा लक्ष्य है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में पसमांदा समाज बराबर भागीदारी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पसमांदा समाज का भरपूर योगदान रहेगा। कहा कि पसमांदा समाज अब भाजपा के साथ है। स्वागत करने वालों में महानगर उपाध्यक्ष मतलूब बेग, अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इस्तखार, महानगर महामंत्री, जिला महामंत्री डॉक्टर माजिद, डॉक्टर शहजाद, मंडल महामंत्री नजरुल उर्फ भूरा, महानगर मंत्री गुफरान मीर, जावेद अली वारसी, राजीव सैनी, मोहम्मद अजीम बंटी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, मेरा नाम रईस चौधरी मलिक साहब है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया हूँ आज अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच का। क्या पद मिला है आपको? मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना हूँ अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच का। जी, आज मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य लिया है पसमांदा को साथ लेने का, साथ चलने का, जोड़ने का, और हमारे जो भी पसमांदा में जितने भी लोग आते हैं उन्हें जागरूक करने का एक आज मुझे जिम्मेदारी दी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जावेद मलिक साहब जी ने। राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है मुझे, मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो पसमांदा को लेके चल रहे हैं, मैं उनकी नीतियों पर काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूंगा। बहुत बढ़िया। पसमांदा में इसमें 40 बिरादरी आती हैं, इसमें सभी जो पीछे रह गए हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें भटका रखा है, जिनको डराते हैं लोग, वो पसमांदा में हैं। और बाकी हम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की कोशिश करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। क्या गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज मैं मतलूब बेग, महानगर उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। आज हमारे रईस चौधरी साहब को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच का। उसमें हम सभी कार्यकर्ता खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सभी कार्यकर्ता हम खुशी के जोश में इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। कहाँ पर स्वागत हुआ है? ये पाक बड़े बुद्ध के बाजार में हुआ है। ये भाजपा हमारे, ये हम मैसेज दे रहे हैं, हम जन जन तक मोदी जी के जितने भी कार्य हैं वो जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, योजनाओं को जानकारी देंगे। और सभी से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और वोट भी करें। मेरा नाम मोहम्मद इस्तखार है, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय पसमांदा। सर, सर आज ही काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, किस पर हुए हैं, क्या ये काफ़ी भीड़ संख्या है यहाँ पे? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय जावेद मलिक जी ने रईस भाई को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया है। स्वागत समारोह का मौके पर क्या कहूँगा? मौके पे कहना है रईस भाई को पद मिला है, इसी के लिए यहाँ पे भीड़ खड़ी है, इनके स्वागत के लिए यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। हमारे जिला महामंत्री, जो महानगर के महामंत्री डॉक्टर माजिद भी आए हुए हैं और काफ़ी संख्या, काफ़ी पदाधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे लोग। हुसैन, सर आज किस विषय में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, किस चक्कर में? हमारे जो रईस चौधरी जी हैं जिन्हें पद दिया गया है और उस पद महामंत्री, हाँ, उनका राष्ट्रीय महामंत्री का, तो उनके स्वागतम के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे कि पार्टी से सबको जोड़ेंगे, सबका काम करेंगे, सबका विकास करेंगे और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उस वारदात पर चलेंगे। क्या